कोई सोचता था कि काशी विश्वनाथ धाम इतना भव्य बनेगा? कोई सोचता था काशी की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी होगी? आज से 10 वर्ष पहले कोई सोचता था कि काशी में इतनी एयर कनेक्टिविटी होगी? आज से 10 वर्ष पहले कोई सोचता था कि काशी की वाटरवे की कनेक्टिविटी होगी? आज से 10 वर्ष पहले काशी की सड़कें 4 लेन की बनेगी, यह अपने आप में कल्पना थी। यहां के घाट इतने सुंदर होंगे, ये कोई सोचता था? यहां के मठ और मंदिरों की व्यवस्था का सुंदरीकरण होगा, उसकी विरासत को उसकी पहचान मिलेगी। आज से 10 वर्ष पहले कोई सोचता था कि प्रयागराज का कुंभ भव्य और दिव्य भी हो सकता है? और आज से 10 वर्ष पहले क्या कोई सोचता था कि अयोध्या में प्रभु राम लला की पवित्र भूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो पाएगा? आज से 10 वर्ष पहले क्या कोई सोच पाता था कि कश्मीर में धारा 370 हटेगी, भारत की सीमा सुरक्षित होगी, देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को एक एक आवास मिलेगा, 10 करोड़ गरीबों के लिए एक एक शौचालय फ्री में मिलेगा, 12 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन आएगा, करोड़ों नौजवानों के लिए रोजगार की सुविधा प्राप्त होगी और 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का भी लाभ मिलेगा। कोई सोचता था? नहीं। लेकिन आज सब संभव हुआ है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हुई है। जो भारत दुनिया में सबसे फिसड्डी था, मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 10 वर्ष में हुआ भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अगले 3 वर्ष में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था होगा और 2047 तक का एक पूरा रोड मैप प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने प्रस्तुत कर दिया है। बहनों और भाइयों, अगर यह इतना कुछ हो रहा है, देश तो 140 करोड़ भारतवासी प्रफुल्लित हैं, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ लोग प्रफुल्लित हैं, तो काशी को तो और भी प्रफुल्लित होना चाहिए, क्योंकि काशी को यह श्रेय जाता है कि देश की संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी काशी का प्रतिनिधित्व करते हैं, काशी के सांसद हैं, लोकप्रिय सांसद हैं। एक सांसद जो सामान्य सांसद है वह भी इतना समय नहीं देता है अपने संसदीय क्षेत्र के लिए जितना प्रधानमंत्री मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र के लिए समय देते हैं। क्या शिक्षा हो, क्या स्वास्थ्य, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या मोहल्ला और गांव की कनेक्टिविटी, क्या पेयजल की सुविधा हो, या फिर यहां के घाटों के सुंदरीकरण का, मठ और मंदिरों की व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से सुंदरीकरण योजना के साथ जोड़ना, काशी की जल थल और वायु की कनेक्टिविटी को बेहतरीन करने का, यहां की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए एक नए कलेवर और एक नई काया के साथ काशी को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत कर देना, यह काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्षों में हमने बदलती हुई काशी को देखा है। हमने इन 10 वर्षों में बदलते हुए उत्तर प्रदेश को और बदलते हुए भारत को देखा है और दुनिया के अंदर भारत की बदलती हुई इस नई प्रतिष्ठा के सामने आज भारत की अपनी स्वयं के यशस्वी लीडरशिप में जिस रूप में भारत आज आगे बढ़ रहा है, यह भी हम सब ने देखा है, महसूस किया है।